उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की इस नई चीनी मिल के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्री चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास के मंत्री श्री सुरेश राणा जी, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, गन्ना और चीनी उद्योग के राज्य मंत्री श्री सुरेश पासी जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, श्री विजय दुबे जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्री संत प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री राधे श्याम सिंह जी, श्री रमाकांत निषाद जी, विजय शंकर यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित श्री नीरज साही जी, प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास श्री संजय भूस रेड्डी जी, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम और अन्य सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित श्री पीके मल जी, श्री जितेंद्र जायसवाल जी, चेयरमैन नगर पालिका पिपराइच, चेयरमैन गन्ना विकास परिषद इंद्रभूषण उपाध्याय जी, श्री वीरेंद्र पाठक जी, संघर्ष मणि उपाध्याय जी, लव सिंह जी और इतनी भारी संख्या में उपस्थित पिपराइच क्षेत्र और गोरखपुर जनपद से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, मैं आज गोरखपुर मंडल से जुड़े हुए अपने सभी जनप्रतिनिधियों को और इस क्षेत्र की समृद्ध खेती के लिए विख्यात अपने सभी किसान भाइयों को हृदय से बधाई देता हूं, जिनके कारण आज ये चीनी मिल फिर से अस्तित्व में आई है। जो चीनी मिल 2008 में बंदी की ओर जा रही थी, जिस चीनी मिल को 2010-11 में बंद कर दिया गया था, उस समय भले ही 8000 क्विंटल प्रतिदिन की क्षमता की चीनी मिल थी, लेकिन आज पिछली सरकारें चीनी मिलों को बेचती थी, उन्हें बंद करवाती थी और आप सब ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनाई और आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार चीनी